टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 18, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 18, पेज नंबर 3.18, पेज नंबर 3.18, इलस्ट्रेशन नंबर 18। इलस्ट्रेशन नंबर 18, पेज नंबर 3.18 क्या कह रहे हैं? वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, बैलेंसेस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑन 31 मार्च 2019 वर, कैपिटल दे रखे हैं, करंट अकाउंट दे रखे हैं वरुण के और कुबेर के, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स एंडेड ऑन 31 मार्च वर 2015-16, लॉस ऑफ 40 देन 17 में 1,30,000, 18 में 2,00,000 एंड 19 में 2,50,000, जनरल रिजर्व अपीयर इन द बुक्स एट 50,000, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो अपन को गुडविल कैलकुलेट करनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, हाउ गुडविल इज कैलकुलेटेड? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। सो सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो उसके लिए क्वेश्चन में आपको लास्ट ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है, तो उसका अपन एवरेज करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो हाउ दिस एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं कितना है, 60,000। उसके बाद फिर लॉस है आपका 40,000 का, उसके बाद फिर आपको 1,30,000 का प्रॉफिट है, उसके बाद फिर आपको 2,00,000 का प्रॉफिट है, उसके बाद 2,50,000 रुपीज का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 5। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है, ये एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा आपका 1,20,000। तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपका 10% इंटू 100, माइनस करेंगे इसमें से क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो याद करिए, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले थे, वन इज टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, और सेकंड मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस और माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो यहां पे क्वेश्चन में आपको असेट और लायबिलिटीज तो दे नहीं रखे, लेकिन कैपिटल और करंट अकाउंट और रिजर्व्स दे रखे हैं। तो यानी सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। तो क्या है वो फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट प्लस रिजर्व माइनस लॉसेस। सो पार्टनर्स कैपिटल, तो वरुण की कैपिटल दे रखी है आपको 5,00,000 एंड कुबेर की 3,50,000। पार्टनर्स कैपिटल कितना है? 5,00,000 एंड 3,50,000 प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट।
तो वरुण के करंट अकाउंट का 80,000 दे रखा है बैलेंस। तो साइलेंस के केस में, इन केस ऑफ साइलेंस, पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो वरुण है, वरुण के करंट अकाउंट का 80,000 बैलेंस है, बट इट इज नॉट गिवन द क्वेश्चन वेदर इट इज अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो इन केस ऑफ साइलेंस वी अज्यूम डेट इट इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेट इज 80,000 माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। सो डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज 20,000 प्लस जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व इज 50,000। सो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, आपकी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 9,60,000। तो ये आएगा आपका 12,00,000। माइनस 9,60,000, सो 12,00,000 माइनस 9,60,000 ये गुडविल आ जाएगी 2,40,000। गुडविल कैलकुलेट हो गई 2,40,000। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनी डाउट? इलस्ट्रेशन 19 हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 20A। इलस्ट्रेशन नंबर 20A, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड एंड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। टोटल असेट्स गिवन इज 10,00,000, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 1,80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इज 1,00,000। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले तो अपन इसका सुपर प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। तो फॉर कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट, स्टेप नंबर 1, वी कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन इज 1,00,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन इज 1,00,000। स्टेप नंबर 2, वी हैव टू फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। सो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सो टोटल असेट इज 10,00,000, टोटल असेट इज 10,00,000 एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज 1,80,000। सो 10,00,000 माइनस 1,80,000, तो ये आ गया आपका 8,20,000, 8,20,000। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, नॉर्मल प्रॉफिट वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैसे? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। सो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8,20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आ जाएगा 82,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज 82,000। देन स्टेप नंबर 4 क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। हाउ सुपर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 1,00,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज 82,000। अभी अपन ने कैलकुलेट करा स्टेप नंबर 3। सो 1,00,000 माइनस 82, तो सुपर प्रॉफिट इज 18,000। नाउ स्टेप नंबर 5, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब आपको मेंशन नहीं है इट इज अ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो अपन दोनों से करेंगे। तो फर्स्ट अपन करते हैं बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे निकलेगी आपकी? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज 1,00,000
डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% इंटू 100 माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. सो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8,20,000. सो 10 लैख माइनस 8,20,000. तो 10 लैख माइनस 8,20,000. तो 10 लैख माइनस 8,20,000 ये आएगा आपका कितना, 1,80,000. 1,80,000 ये आपकी बिट विल होगी कितनी, 1,80,000. नाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. सो सुपर प्रॉफिट इज, ये अपन ने कैलकुलेट करा 18,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10 इंटू 100. योर गुडविल इज 1,80,000. गुडविल इज 1,80,000. Then we have to calculate the goodwill by super profit method. तो goodwill क्या होगी, super profit multiply by number of year purchase, number of year purchase. So super profit is 18,000 into number of year purchase is 3. So 18,000 into 3, 18,000 into 3, it's 54,000. कितना आ गया, 54,000. Any doubt? Now take out illustration number 20B. Illustration number 20B. The following information related to partnership firm. Profit of last 5 years. Given a profit of last 5 years. Then average capital employed is given 5 lakh. Average capital employed is given 5 lakh. Then normal rate of return is 20%. Find out the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of average profit and 3-year purchase of super profit and capitalization of super profit. So first we have to calculate the super profit. अपन सबसे पहले इसका super profit निकालते हैं. So step number one. Step number one में अपन निकालेंगे actual average profit या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स. टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना, 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2,70,000. Divided by 5. So average profit is 1,60,000. इसका average करेंगे तो average profit is 1,60,000. Now इस question में आपको average capital employed given है. तो when average capital employed is given in the question, then normal profit is calculated on average capital employed. तो normal profit अपन किस पे निकालते हैं, average capital employed पे.
सो स्टेप नंबर थ्री क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%. सो 20% ऑफ 5 लाख, 20% ऑफ 5 लाख इज 1 लाख. नॉर्मल प्रॉफिट इज 1 लाख. नाउ स्टेप नंबर 4 क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट. हाउ सुपर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सो एवरेज प्रॉफिट इज 1,60,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज 1 लाख. सो सुपर प्रॉफिट इज 60,000. सुपर प्रॉफिट इज 60,000. नाउ स्टेप नंबर 5. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल. तो फर्स्ट मेथड इज 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है. सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. सो एवरेज प्रॉफिट इज, एवरेज प्रॉफिट इज 1,60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 3. सो 1,60,000 इंटू 3 ये आ जाएगा आपका 4,80,000. सेकेंड, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, उससे गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी. सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. सो सुपर प्रॉफिट इज 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 3. तो 60,000 इंटू 3 यह आएगा आपका 1,80,000. नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो हाउ गुडविल इज कैलकुलेटेड, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. सो सुपर प्रॉफिट इज 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% इनटू 100. तो गुडविल आ जाएगी आपकी कितनी, 3 लाख. गुडविल आएगी आपकी 3 लाख. बताइए कोई डाउट, एनी डाउट. तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल.